हेलो दोस्तों, तो आपको पता ही होगा SBI PO का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, तो आप देख सकते हैं मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 62 था। जैसे कि मैंने बताया था, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते इस जनरल में कट ऑफ 63 का है इस बार, और मेरा स्कोर है 56.5। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एग्जाम से मैंने क्या क्या सीखा। तो मैंने यहाँ पर कुछ ब्रीफली लिखा है, तो मुझे लगता है दोस्तों आपको भी लिखना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम को हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जबकि अब अगर आप फेल करते हो तो ज्यादा सिखाता है। तो मैंने क्या क्या सीखा इस एग्जाम से, तो डू नॉट लूज कॉन्सिस्टेंसी दोस्तों। कॉन्सिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कॉन्सिस्टेंसी काफी मत छोड़ना। आप जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप एक और 2 दिन पहले आप सोचोगे कि नहीं मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया आप मैं छोड़ देता हूँ, अगर आपका कॉन्सिस्टेंसी बिगड़ जाएगा तो आपका पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। पूरा मतलब इतने दिनों का मेहनत आपको मतलब कुछ नहीं होगा। तो कॉन्सिस्टेंसी नहीं खोना है दोस्तों। जैसे कि मैंने आप इस बार कमेंट में देख सकते हो जो यहाँ पर अपेयर हो रहा है कि मैं यहाँ पर बता रहा था कि मेरा कैसे कॉन्सिस्टेंसी खराब हो गया। एक्चुअली मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा था उस टाइम, तो मैं बिल्कुल भी मतलब इस बैंकिंग की प्रिपरेशन में फोकस नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो गया। नेक्स्ट है फोकस ऑन स्पीड। मुझे लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा मेरे एक्चुअली रीजनिंग के स्पीड में। तो मेरा पजल ठीक ठाक हो जाता है, पर मेरा स्पीड अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे स्पीड में और भी बेहतर करना पड़ेगा, वरना मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मुझे फोकस करना होगा स्पीड पे। तो तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस मोड। दोस्तों मैंने जितना भी प्रैक्टिस किया है, मुझे लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना होगा दोस्तों। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। और चौथा है मॉक एनालिसिस, मोर नंबर ऑफ मॉक्स यू गिवन। तो दोस्तों एक वीडियो में मैंने देखा था कि मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है, पर मैंने सोचा ठीक है मॉक एनालिसिस जरूरी है, पर मैं अगर ज्यादा मॉक देता हूँ मतलब मेरा प्रैक्टिस में ज्यादा होगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने SBI PO से पहले डेली अप्रॉक्स 2 to 3 मॉक्स दिया था, पर मेरा मैं एनालिसिस बहुत कम करता था। मतलब मैं देखता था कि ठीक है ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, मैं हार्डली एक मॉक के लिए 15 मिनट्स तक एनालिसिस करता था कि देख लेता था अच्छा अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इवेंचुअली वो कुछ भी नहीं होता था। तो दोस्तों आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे सीख लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेल कर चुका हूँ। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करके तो आप मत कीजिए। आप मॉक को एक मॉक दीजिए, उसको अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए। तो मैं आपसे यही करूंगा। तो एक यही 4 लेसन्स मैंने इस एग्जाम से सीखा है। आपने क्या क्या लेसन सीखा आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कोट है, आपने सर शायद देखा होगा इस वेब सीरीज को, बहुत ही फेमस वेब सीरीज है स्कैम 1992 की। सक्सेस क्या है, फेलियर का बात करने से आफ्टर। तो यही है दोस्तों, अगर आप फेल करते हो तो आप फिर से उठ खड़े हो जाओगे, पर फेलियर को आप पर हावी मत होने दो। देखिए आप तभी फेल करोगे जब आप सोचोगे कि हाँ मैं फेल कर चुका हूँ। ऐसा नहीं सोचना है, जब भी आप फेल करोगे आपको उठकर खड़ा होना है, ठीक है? तो आगे बढ़ना है। तो आप लोगों के अंदर बहुत तो काम सामने 18 और 19 तारीख को IBPS क्लर्क का एग्जाम है, तो उस पर फोकस कीजिए। अभी के लिए ये सब बात को छोड़ दीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जो क्वालिफाई कर पाए हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि आप थोड़ा सा इस IBPS क्लर्क की तरफ भी फोकस कर लीजिए, क्योंकि सामने एग्जाम है और साथ साथ मेंस के प्रिपरेशन भी लेते रहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया मतलब प्री क्लियर है, उनको बहुत बहुत बधाई है। आप जम के प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के मॉक लगे हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।